有吗？有。

कपड़े जूते हर चीज मिल जाती है सर्दी हो या गर्मी ये लोग लाजमी आते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता सर्दी ज्यादा है गर्मी है क्या है धूप है या छाव है बस अल्लाह तला ने जो पेट लगाया हुआ है ना उसको पालने के लिए बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं इनको देख के बहुत मोटिवेशन मिलता है कि जैसे ये लोग आते हैं उठते हैं हम लोग बिस्तर से उठते हुए घंटे लगाते हैं लेकिन जब पता चलता है कि मार्केट वाले आ गए हैं तो फटाफट -फड़ से बिस्तर पीछे किया जाता है कि हिम्मत मिलती है कि देखो जरा अगर वो हिम्मत करके आ सकते हैं बाहर ठंड में बैठ सकते हैं बगैर किसी टेंट के बगैर किसी छत के तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हिम्मत एनी जी आज के दिन हम लोग बहुत सैड थे क्योंकि भाजी के वापस जाने का टाइम आ गया था एकदम से आती है ना जब तो हमें बहुत खुशी होती है पूरा साल हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि उन्होंने इस महीने में आना है और फिर जाने का टाइम बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कैसे एक महीना गुजर जाता है अंदाज़ा भी नहीं होता है उनके साथ टाइम बहुत अच्छा गुजरता है बहुत सी नई नई यादें बहुत सी नई नई मेमरीज़ बनती हैं उनके साथ तो अलहमदिल्ला बहुत अच्छा टाइम गुजरा और हम सब बहुत मिस करेंगे जिशा को भाजी को तो खैर खरीत से जाएँ जो आते हैं उनको जाना भी होता है

हो खैर जी लाइफ अपनी रूटीन पे आ जाएगी अब जो पहले चल रहा था वही सेम रूटीन अब से स्टार्ट हो जाएगी जाविर का स्कूल तो एक दफ़ा स्टार्ट हो चुका था लेकिन एक दिन बच्चे स्कूल गए हैं उसके बाद फिर से नोटिफिकेशन आ गया था बच्चों की वोकेशन 19 जनवरी तक फिर से एक्सटेंड हो गई हैं तो ये भी एक तरह से अच्छी बात थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी अब स्कूल स्टार्ट हो गया है बच्चे को ज़्यादा छुट्टियां भी नहीं करा सकती तो अजीब सी ना बेचैनी से लगी रहती है बच्चा स्कूल जाए तो सेटिस्फैक्शन रहती है कि चलो कुछ ना कुछ सीख के आएगा अभी हम लोग जा रहे हैं कोरियर सेंटर वहाँ से कॉल आ गई थी कि आपका पार्सल आया है और इतनी शद सर्दी में गांव से शहर जाके पार्सल रिसीव करना एक किसी महाज से कम नहीं है बहुत ही मुश्किल लग रहा था ये एक टास्क था कि हमें करियर सेंटर जाना है और वहाँ पार से पार्सल रिसीव करके आना है और जिस कुरियर में आ, सेंटर में आया था वो बहुत दूर पड़ता है काल कुरियर जो है ना शहर से भी थोड़ा सा आगे जाके एंड पे जाके पड़ता है तो बस हम लोग वही रिसीव करने के लिए जा रहे थे और कोई ऑप्शन नहीं था बाइक में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था हम लोग गाड़ी में जा रहे थे फिर भी नीचे उतर कैसे लग रहा था कि जैसे पाँव सुन्न हो चुके हैं कदम उठाया नहीं जाएगा लेकिन वो कहते हैं ना कि काम जिंदगी के रुकते नहीं है जिंदगी चलती रहती है सर्दी हो गर्मी हो कोई फर्क नहीं पड़ता जो काम किसने करना है वो करना ही है तो यहां पे देखें जी हमारा आ, जो है पार्सल रिसीव हो चुका है लखानी वूल के जो गरम सूट थे हमने वो ऑर्डर किए थे सेल लगी हुई थी थर्टी परसेंट ऑफ लगा हुआ था तो हमने सोचा ऑफ से फायदा उठाया जाए और इतनी श्द ठंड में आपकी सर्दी जो है ना वो लखानी वूल ही रोक सकती है बहुत गर्म स्टफ़ होता है बहुत अच्छा स्टफ़ होता है और काफ़ी खुला होता है इसकी शॉल्स बहुत अच्छी होती हैं वैसे हम लोग तो पहली दफ़ा मंगवा रहे हैं लेकिन मेरी फैमिली में ज़्यादातर जो हमारी आंटीज़ हैं ना वो सारी लखानी वूल के ड्रेसेज ही पहनती है ज़्यादा विंटर्स में तो हर सीजन में वो को दो चार ले लेती हैं तो वो हर साल उनके आगे आगे बढ़ते रहते हैं और चलते रहते हैं इस बार हम लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया था उसके बाद हम लोग आ गए हैं गिफ्ट शॉप पर यहाँ से हमें कुछ गिफ्ट लेने थे विशाल की सालगि मेरी खाला की बेटी की उसके लिए कुछ गिफ्ट्स लेने थे और मरियम को कहीं जाना था उसको अपनी दोस्त के लिए गिफ्ट लेने थे और मुझे अपनी दोस्त के लिए लेना था तो आज हम लोग सिर्फ गिफ्ट्स की शॉपिंग करने के लिए आए हैं यहाँ से तो खैर कुछ समझ में नहीं आ रहा था बच्चों के लिए अच्छे ऑप्शन है यहाँ पे बच्चों के लिए अच्छी चीजें मिल जाती हैं यहाँ से बट आपको अगर किसी बड़े की चीजें लेनी है ना तो कहीं और जाना पड़ता है तो बस इसके बाद हम लोग फिर वहीं जाएंगे वहां से फिर हम कुछ जो बैग वगैरह लेने हैं वो लेंगे और फिर उसके बाद चलेंगे घर तो ये जो है ना ये सेल्स पॉइंट है सेल पॉइंट ही है शायद इसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी क्रॉकरी पड़ी हुई थी और बहुत ही मुनासिब और रिजनेबल प्राइस में पड़ी हुई थी जबरदस्त किस्म के आपको डिजाइन कलर्स सब मिल रहा था आजकल के दौर में अगर आठ नौ सौ या बारह सौ में आपको कोई चीज़ मिल रही है ना तो वो एक तरह से ऐसा ही लगता है आपको कोई फ्री में दे रहा है क्योंकि जो महंगाई का दौर चल रहा है ना तो बारह सौ हज़ार दो हज़ार की तो कोई वैल्यू ही नहीं है लेकिन अगर कोई ऐसा कहता है ना कि ये फिफ्टीन हंड्रेड का सेट है तो बहुत ही अजीब सा लगता है वाकई शॉकिंग सी न्यूज़ लगती है कि ये तो वाकई में बहुत ही सस्ता मिल रहा है तो हालांकि इतना सस्ता भी नहीं होता है पंद्रह सौ भी आखिर एक अमाउंट होती है देखा जाए तो तो खैर जी शाल फातमा के लिए हम लोगों ने यहाँ से एक लंच बॉक्स पसंद किया कोई डॉल हाउस लिया और किचन सेट वग़ैरह इस तरह की कुछ चीज़ें ली यहाँ पे शॉपिंग करके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा अगर आप भी आसपास कहीं रहते हैं पखतों के एरिए में तो आप भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा आपको अच्छी क्वालिटी में अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ से हर किसी का दिल चाहता है उसके पास अच्छा लाइफ स्टाइल हो घर गाड़ी पैसा अच्छी फैमिली अच्छा रहन सहन खाना पीना सब अच्छा हो ये कुदरती बात है कि हर किसी का दिल चाहता है लेकिन हर कोई परफेक्ट नहीं होता है हर इंसान की ज़िंदगी में न किसी न किसी चीज़ की कमी रह जाती है अगर ऐसा ना हो तो फिर हम अल्लाह के करीब ना हो हर कोई किसी ना किसी लिहाज से जो है मजबूर है बेबस है किसी के पास रिश्तों की कमी है किसी के पास औलाद की कमी है तो किसी के पास पैसे की कमी है पैसा है तो औलाद नहीं है रिश्ते नहीं है अगर रिश्ते हैं तो पैसा नहीं है तो ये जो निज़ाम है ना कुदरत का ये चलता रहता है लेकिन आपने हमेशा अपने से नीचे को देखना है आप अपने से नीचे को देख के अल्लाह का शुक्र अदा करें और सोचें कि उसके पास तो ये भी नहीं है ये भी नहीं है मेरे पास है लेकिन अल्लाह ने मुझे दिया है तो आप यकीन कीजिए आप अपने आप को खुशकस्मत तरीन इंसान समझेंगे फिर भी अभी जो मैं आपके साथ वज़ीफ़ा शेयर करने वाली हूँ आप यकीन कीजिए इन शाली अगर आप ये पूरे यकीन के साथ करते हैं ना तो आपके पास ना रिश्तों की कमी रहेगी ना आपके पास पैसे की कमी रहेगी ना चीज़ों की कमी रहेगी तो करना क्या है बहुत ही छोटा सा वजीफ़ा है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अगर आप किसी वॉलेट में पैसे रखते हैं या आप किसी हैंड बैग में पैसे रखते हैं तो आपने वहाँ पैसे रखने से पहले या पैसे रखते वक़्त सूर्य कौसर पढ़नी है सूरज कौसर बहुत सी बहुत ही छोटी सी सूरत है इन्ना तो इना का अवसर फसल लीली रब्बी का वानहर इन्ना चानिया का हुआ लफ्टर ये सूरत पढ़ते वक़्त आपने पैसे रखने हैं और पैसे निकालने हैं जहाँ भी आप चाहे एटीएम मशीन से पैसे निकल निकाल रहे हैं ना तब भी आपने ये सूरत पढ़नी है और आप देखिएगा कैसे बरकत पड़ती है आपके पैसे में आपके जो उन पैसों का इस्तेमाल जहाँ जहाँ करेंगे अल्लाह ताला ने ऐसी बरकत डालनी है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे तो ये छोटे छोटे वजाइफ जो है ना अगर आप कर लेना तो आप इनको हल्का मत लिया करें आप अगर सीरियस हो गए पूरे यकीन के साथ ये करते हैं ना तो यकीन कीजिए आप खुद हैरान होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, है। क्योंकि कुछ भी मुश्किल नहीं है अल्लाह तला के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है अल्लाह तला के कलाम में बहुत ताकत है अगर आप यकीन के साथ करते हैं तो फिर इनशाला तला आपका यकीन कायम ही रहेगा मैंने ये वजीफ़ा शादी के बाद स्टार्ट किया था शादी से पहले क्योंकि मुझे पता नहीं था इतनी समझ नहीं हुआ करती थी ना ही इतना कभी सीरियस लिया था पाबंदी से कभी नमाज भी नहीं पढ़ी थी कभी पढ़ ली तो कभी छोड़ दी लेकिन इस तरह के वजाइफ़ जो है ना मेरी मम्मा भी मेरे साथ शेयर करती रहती हैं वो माशा से बहुत इस तरह की चीज़ें पढ़ती पढ़ाती रहती हैं और मैं भी वो फ़ौन ही फॉलो करती हूँ उनकी बात क्योंकि मुझे पता होता है कि वाकई मम्मी की बात में दम है तो वो जब मैं करती हूँ ना तो मेरा ख़ुद भी बहुत यकीन हो जाता है और फिर मेरे साथ अच्छे अच्छे ऐसे ऐसे मामला होते हैं कि मेरा और पुख्ता होता रहता है क्योंकि हम कुछ गलत काम तो कर नहीं रहे होते हैं हम अलग का कलाम ही पढ़ रहे होते हैं और अच्छी बात बताना भी सदका जा रिया होता है तो यही सोच के मैं आपके साथ शेयर करती हूँ हो सकता है मेरी वजह से आपको किसी मतलब फायदा पहुंच जाए या आपके नॉलेज में कोई नई बात आ जाए तो मेरे लिए भी ये खुशी की बात होगी हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं टाइम एक साथ नहीं रहता लेकिन अगर आप इस तरह के छोटे छोटे वजाइफ पूरे यकीन के साथ करते हैं ना तो आपका टाइम बदल सकता है आप भी अपनी ज़िंदगी में वो सब चीज़ें हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं एनी जी ये चॉपर मुझे चाहिए था काफ़ी टाइम से मुझे इसकी तलाश थी लेकिन मैं जब भी जाती थी भूल जाती थी लेकिन आज सेल पॉइंट पे जब गए तो ये नज़र आ गया और बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे मिल गई है आप इसमें प्याज अदरक लहसन सबस मिर्ची हर चीज़ चॉप कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ सिर्फ थ्री एट रुपीज़ में मुझे चॉपर मिल गया था और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बनानी होती है जो चॉप करके अंदर डालनी होती है सालन में तो वो लाइट नहीं होती अक्सर लाइट गई होती है अब मेरे लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी और एक ये चीज़ ली थी इसकी भी मुझे तलाश थी ख्वाहिश थी बल्कि इसके ग्रेडर था मुझे ऐसा पतला सा चाहिए था जो कि मैं बादाम और काजू वगैरह ग्रेड करने के लिए इस्तेमाल कर सकूं गिफ्ट के चक्रों में ये दोनों चीज़ें भी आखिरकार मुझे मिली गई थी तो खैर जी यहीं पे कर देंगे व्लॉग का एंड आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और पानी पीना मत भूला करें सर्दियों में बार बार पानी पिए सुना है कि सर्दियों में पानी की कमी की वजह से हार्ट अटैक्स हो रहे हैं और बहुत सी बीमारियां फैल रही हैं ये चीज़ मत भूला करें आप चाहे तो रिमाइंडर लगा के रख लें दुआ में याद रखिएगा मिलेंगे नए व्लॉग और नई रेसिपीज़ के साथ तब तक दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़